नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महर महाविद्यालय परिसर में आज छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन और बतौर मुख्य अतिथि आरएस विभाग प्रचारक विकास प्राचार्य डॉक्टर पुष्कर सिंह बिष्ट नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमचंद्र पांडे द्वारा किया गया था। इस अवसर पर अतिथियों ने छात्र संघ पदाधिकारियों सहित समस्त छात्रों छात्राओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यार्थियों सहित महाविद्यालय स्टाफ मौजूद था। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सीएम पांडे द्वारा बीते 3 वर्ष पूर्व कार्यालय का जीर्णोद्धार करवाया गया था। जिले में अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिसके तहत मुख्यालय में उप निरीक्षक बबीता टमटा हेड कांस्टेबल पंचानन मंडल द्वारा चेकिंग के दौरान चंद्रभागा पुल के निकट एक होटल में छापेमारी कर होटल संचालक मनोज तिवारी निवासी थरकुट को अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने व बेचने पर गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष जाजर देवल मदन सिंह बिष्ट व टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर नवीन सिंह निवासी नैनी सही को 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त मिशन मर्यादा के तहत 81 लोगों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 186 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई के चलते साइबर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के खाते में 20,000 रुपये वापस करा दिए। चंपावत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बलबजार क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा 20,000 ऑनलाइन ठगी करने की शिकायत साइबर सेल को दी गई थी। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए UPI व बैंक नोडल से संपर्क कर पूरी धनराशि विधिक कार्रवाई के बाद व्यक्ति के खाते में वापस करा दी। बीते दिवस बागेश्वर की सरयू नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाने के दौरान एक युवक डूबकर लापता हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस फायर एसटीआरएफ की टीमें जुटी हुई थी। आज सोमवार को नैनीताल से बुलाई गई टीम गोताखोर की टीम द्वारा युवक का शव बरामद कर लिया। शव मिलने की खबर से परिजनों सहित दोस्त सदमे में है। बागेश्वर मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 27 मई को तल्ला बिनौला निवासी पंकज कुमार की शादी में शामिल होने दिल्ली से आए उसके 4 दोस्त प्रिंस कुशाल अक्षय और राहुल बीते दिवस तल्ला बिनौला में सरयू नदी में नहा रहे थे। इस दौरान प्रिंस पाल पुत्र वीरेंद्र पाल निवासी मोतीबाग नई दिल्ली उम्र 25 वर्ष अचानक नदी में डूबकर बह गया। युवक के बहने की सूचना मिलते ही परिजन व थानाध्यक्ष कैलाश नेगी के नेतृत्व में पुलिस फायर व एसटीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू कर दी थी, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। संयुक्त टीम द्वारा युवक की देर सायं तक काफी खोजबीन की गई, युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा द्वारा स्थिति को देखते हुए नैनीताल से डीप गोताखोर की टीम बुलाई गई। टीम द्वारा नदी के गहरे स्थानों पर सर्च करते हुए आज युवक के शव का सरयू नदी में नारद कुंड के निकट दमोला नताल से निकाला गया। रेस्क्यू कार्य में फायर पुलिस एसडीआरएफ गोताखोर व स्थानीय लोग शामिल थे। युवक के लापता होने की सूचना पर उसके परिजन वहां पहुंच गए थे। युवक के शव मिलने से परिजन सहित 7 में आए युवक सदमे में है। एक महिला द्वारा अपनी पुत्री की शादी के लिए बैंक से निकाली गई रकम को एक अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया। परेशान हुई महिला ने बागेश्वर के बैजनाथ स्थानीय में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की धनराशि बरामद कर ली। बागेश्वर मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बैजनाथ के सिल्ली निवासी नरुली देवी अपनी लड़की की शादी के लिए बैंक से 60,000 रुपये निकालकर पासबुक में एंट्री कराने के लिए कतार में खड़ी थी। इसी दौरान अज्ञात द्वारा उसके बैग से धनराशि निकाल ली गई। महिला को पता चला तो वह परेशान होकर बैजनाथ थाने पहुंची और अपनी समस्या बताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा टीम का गठन कर जानकारी जुटाते हुए पुलिस ने मात्र मामला दर्ज होने के 3 घंटे में चोरी के आरोपी को नरेंद्र गोस्वामी निवासी रणकुड़ी बागेश्वर उम्र 50 वर्ष को चोरी की गई धनराशि के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में SO कुंदन सिंह रौतेला SI विनीता विष्ट सहित अन्य कर्मी शामिल थे। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा ने बताया कि इसमें एक हमारी एक बैजनाथ थाने की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक सूचना आई थी कि 19 तारीख को एक महिला जो है बैंक में गई और बैंक में जाने के बाद उसमें अपने पैसे निकाले, लगभग 60,000 रुपये उसने निकाले और उसमें जो है वो अपनी पासबुक प्रिंट कराने के लिए गई, तो तभी जो है उसके बैग में से वो पैसे किसी ने निकाल लिए।
तो उसकी सूचना जो है जो बैजनाथ थाने को दी गई, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें हमने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे, तो उसमें दिख रहा था कि किसी ने बैंक में ही उसके पैसे निकाल लिए थे। उसके बाद फिर उसको ट्रेस करने के लिए हमने काफ़ी सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की, तो उसके बाद हमें जो है बहुत ही जल्दी उसमें खुलासा करते हुए नरेंद्र गोस्वामी नामक एक व्यक्ति का पता चला, जो बैंक में ही उनके पीछे लग गया था। जैसे उन्होंने पैसे निकाले, उसके बैग में से उनका बैग खुला हुआ था, तो उसमें से उसने पैसे निकाल लिए। महिला को जब तक पता चला तब तक वो फरार हो गया था। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, उसमें तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए उस अपराधी को पकड़ लिया और उसमें रिकवरी हमारी 100% है। सारे के सारे पैसे जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। इससे इस घटना को देखते हुए मैं लोगों को एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि जब भी वो कोई भी कीमती सामान, ज्वेलरी हो चाहे पैसे हो या और भी कोई भी कीमती सामान वो अपने साथ लेके चलते हैं, तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो ताक लगाए रहते हैं। तो कोशिश ये करिए कि उसमें आप अटेंशन उस पर ज़्यादा रखें, और अगर कोई भी घटना ऐसी आपके साथ होती है तो तुरंत जल्द से जल्द उसकी सूचना जो है पुलिस को दें। धन्यवाद। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। नमस्कार, श्री माँ नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय कैलाश आश्रम सुवाकोट वड्डा, जो की निःशुल्क आवासीय विद्यालय है और संस्कृत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को यदि संस्कारवान व आधुनिक शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं तो विद्यालय में संपर्क करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।